करनाल के मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर चल रहे धरने में डीसी निशांत कुमार यादव पहुंचे हैं। इस दौरान उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार अब किसानों की फसल को बिना शेड्यूल के पूरा सीजन खरीदा जाएगा। मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और 48 घंटे में फसल की पेमेंट किसानों के खाते में जमा होगी। अगर 48 घंटे में पेमेंट नहीं होती है तो 9% ब्याज के साथ किसान को पेमेंट मिलेगी। इस मौके पर उपायुक्त ने किसानों की समस्या सुनी और हरियाणा सरकार के निर्णय से अवगत कराया। इतना ही नहीं, उपायुक्त निशांत कुमार यादव व पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया की उपस्थिति में मौके पर ही सरकार के आदेश अनुसार बिना शेड्यूल के बीजना गांव के किसान सुरेंद्र सिंह की गेहूं की ढेरी की खरीद की शुरुआत करनाल मंडी से की गई। इसको लेकर धरने पर बैठे किसानों ने खुशी जाहिर की और सरकार के निर्णय का स्वागत किया तथा तुरंत ही सहसम्मान धरने को समाप्त कर दिया। फसल कटाई का कार्य दिन रात चलता है, ऐसे में बिना शेड्यूल के भी फसल की खरीद होनी चाहिए तथा गेट पास का समय भी बढ़ाया जाए। उपायुक्त ने किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि जिले की सभी मंडियों में करीब 16 घंटे गेट पास की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक गेट पर 2-2 कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात रहेंगे जो की 8-8 घंटे की ड्यूटी सुबह 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक ड्यूटी देंगे ताकि किसानों को मंडियों में अपनी फसल लाने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और उन्हें फसल बेचने का शेड्यूल मिल चुका है, वे अपने शेड्यूल के अनुसार ही मंडियों में अपनी फसल लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, इनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए जिले की सभी मंडियों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया। फसल खरीद कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा जाएगा और खरीद के साथ साथ फसल का उठान भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए ट्रांसपोर्टर को निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो भी हो, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, पेमेंट 48 घंटे के अंदर अंदर देनी है। अगर ये व्यवस्था बनानी है सरकार को तो उसके इसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से खरीद करनी पड़ेगी, इसलिए ये मैसेज भेज करके शेड्यूलिंग करी गई थी। लेकिन चूंकि अभी हमारी 1 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो गई है और मंडियां मोटी मोटी खाली है, करनाल में मोटा मोटा एक्सपेक्टेड मेन है कि अगली जो बल्क में गेहूं की अराइवल है वो शुरू होगी 4-5-6 तारीख के आसपास। तो सरकार से अभी बल्कि मैं आ रहा था, रास्ते में भी बात हुई हेड ऑफिस में, सीएम ऑफिस में, और सरकार ने जो है आपकी जो ये पहली बात थी वो मुझे आश्वासन दे के भेजा है कि मैं आश्वस्त कर दूं कि बिना शेड्यूलिंग के भी कोई किसान लेके आता है तो उसकी मना नहीं की जाएगी, गेट पास काटा जाएगा। दूसरा, ये सिर्फ 2-4 दिन हफ्ते के लिए नहीं है, पूरे सीजन के लिए बात जो है सरकार ने कही वो बिल्कुल करेंगे, पूरे सीजन के लिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी वैसे भी मंडियां खाली हैं, हफ्ते 10-15 दिन तक तो मंडियों के भरने का स्कोप भी नहीं है और उसके बाद हम अपनी लिफ्टिंग तेज करा लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो पूरे सीजन में मेरी तरफ से ये आश्वासन है, आपको सरकार की तरफ से भी आश्वासन आया है, पूरे सीजन में अगर कोई अनशेड्यूल्ड फार्मर गेट पे आता है तो उसको वापस नहीं भेजा जाएगा, गेट पास काट करके खरीद की जाएगी। नंबर टू, सिर्फ करनाल की मंडी के लिए आश्वासन नहीं है, गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि भाई आप जाकर के भले ये डिक्लेयर कर दो कि पूरी हरियाणा में ये व्यवस्था है, पूरे सीजन में कहीं पर भी। दूसरी, आप तो मेन मांग तो आपकी ये हुई, पूरी होगी बात हमने सरकार के स्तर पर की। दूसरी जो बात आई, आपने बताई कि 2400 घंटे प्रदेश चले, सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गेट पास कटे, सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था तो हमने लोकल स्तर पर करनी होगी। आपने ये बात आज मेरे नॉलेज में डाली, भाई हम मैं व्यवस्था देख लेता हूँ, उसमें तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है लोकल अफसरों पर कि हम कितना स्टाफ वहाँ लगा करके कितने घंटे परचेज कर सकते हैं। मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि इसमें जिस भी तरह की व्यवस्था बनेगी, जितनी स्टाफ अवेलेबल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम गेट पास काटेंगे और इसमें तो अगर कोई कल परसों किसी भी दिन कोई भी दिक्कत आती है तो हम अपने स्तर पर बदल सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।